अगर आप अपने स्किन के लिए चंदन का यूज करते हैं तो ये आपके स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है और टाइम से पहले जो आपके स्किन पे एजिंग के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं उसे ये दूर करने का काम करता है। तो चंदन आपके स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है और गर्मियों के लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करके देखें क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव फेशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस फेशियल को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करेंगे, इसके लिए आपको लेना है बिल्कुल थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर और उसमें आपको कोकोनट ऑयल या जो भी आप फेस के लिए ऑयल यूज करते हैं उसे लेना है और उन दोनों को अच्छे से मिक्स करें और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद हल्का से हल्का मसाज करें। मसाज करने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से किसी भी वेट टॉवल से वाइप कर लें। अगर आपने पहले कोई मेकअप कर रखा है अपने फेस पे तो आप पहले इस फेशियल को करने से पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लें, उसके बाद ये सारे प्रोसेस जो है आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट आपको एक स्क्रब रेडी करना है। स्क्रब के लिए आपको लेना है 1/2 स्पून आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर, इसमें आपको 1 स्पून जो है वो ऑरेंज पील पाउडर ऐड करना है और इन दोनों को जो एलोवेरा जेल होता है उसे ऐड करके एक पेस्ट बनाना है। तो इसे लेकर आप अपने स्किन पे अप्लाई करें और अच्छे से स्क्रब करें, खासकर उस एरिया पे जहाँ पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे नोज के पास, अपने लिप्स के कॉर्नर में। इसे आप चाहो तो आईज पे भी हल्के हाथों से आप लगा सकते हैं। अच्छे से आप स्क्रब करेंगे, आपको कम से कम 3 मिनट तक स्क्रब करना ही करना है। स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से या अगर ट्राई करें कोल्ड वाटर है उससे अपने फेस को वॉश कर ले। जब आप वॉश करेंगे उसके बाद ही देखेंगे आपकी स्किन जो है काफी सॉफ्ट हो लगने लगी है, स्किन काफी ग्लोइंग दिखाई देने लगी है। अब हम मसाज करेंगे। इस मसाज के लिए सिंपल आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप यूज करते हैं अपने फेस के लिए वो ऑयल लेना है और पहले आप अपने पाम को अच्छे से, पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उससे क्या होगा, जो आपका ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और उसके बाद अपने फेस के आप अच्छे से मसाज करेंगे। काफी अच्छे से आप मसाज करेंगे। मसाज करने से आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर स्किन पे और ज्यादा ग्लो आएगा, और ज्यादा निखार आएगा। तो काफी अच्छे से आप मसाज करें, कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको मसाज करना है और लास्ट में जब आप मसाज का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टैप टैप अपनी स्किन को करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव स्टेप है। अब आप एक पैक रेडी करेंगे, उस पैक को आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इस पैक को बनाने के लिए आपको लेना होगा 1 स्पून सैंडलवुड पाउडर, 1 स्पून चंदन पाउडर और 1/2 स्पून आपको वीट फ्लावर आपको लेना है, जो गेहूं का आटा होता है वो लेना है और इसमें हल्का सा जो है वो वाइल्ड टर्मेरिक ऐड करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा वाइल्ड टर्मेरिक ऐड करेंगे। इन सभी को या तो टमाटो जूस से या तो कर्ड ऐड करके अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे टमाटो जूस की ऐड किया है और उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अपने स्किन को और 25 मिनट्स के बाद पहले आप अपने स्किन को वेट टॉवल से वाइप करेंगे, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। और देखिए मैंने जब अपने फेस को वॉश किया, क्योंकि मैं पहले हमने इससे पहले मसाज किया हुआ था कोकोनट ऑयल से, तो मुझे कुछ लगाने की फेस पे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप टोनर का यूज करें, उसके बाद जो मॉइस्चराइजर आप अपने फेस पे यूज करते हैं वो यूज करें और फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। ट्राई करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा मिला आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के